Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am talking about postmodernist critique whose name is Frederick Jameson and he was also a Marxist critique. So, I am giving you introduction of Frederick Jameson. Frederick Jameson is an American literary critique or philosopher and Marxist political theorist. He is best known for his analysis of contemporary cultural trends, particularly his analysis of modernity and capitalism. कि ये जो फ्रेडरिक जेम्सन थे ये अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक थे, फिलोसोफर थे, मार्क्सिस्ट थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे और इन्होंने जो है एनालिसिस किया था कंटेम्प्रेरी यानी न्यू कल्चरल ट्रेंड्स एंड पार्टिकुलरली हिज एनालिसिस ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी एंड कैपिटलिज्म. इन्होंने इन सब पर जो है एनालिसिस किया था. देन ही वॉज बॉर्न ऑन 14 April 1934. Currently he is of age 87 years and he was born in a place in US that is Cleveland, Ohio. Then his nationality is he is an American and he was influenced by Karl Marx, Michael Foucault, Jean-Francois Lyotard, Theodore W. Adorno. Then he has written 3 books. First, Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism. Second is Political Unconscious. Third is American Marxist. Then he has divided capitalism into 3 phases. First is first phase of capitalism in which he talked about how market capitalism का जो मतलब है कि कैसे market को है जो run किया जाता है, लोग जो है कैसे products को खरीदते हैं company से and जो कंपनीज़ हैं वो एक दूसरे से कैसे कम्पीट करती हैं, हाउ मार्केट रन्स, पीपल बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंपनीज़, हाउ कंपनीज़ कम्पीट विद ईच अदर. सो कैपिटलिज्म का ये मतलब होता है. देन दिस फेज एग्जिस्ट इन, ये जो फर्स्ट फेज था कैपिटलिज्म का ये जो है रोमांटिक एंड विक्टोरियन पीरियड में जो है आया था. देन ये जो पीरियड है इसे हम एसोशिएट करेंगे, इस पीरियड में जो है काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ और लॉट ऑफ अर्ली डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस. देन क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ स्टीम एंड मोटर इंजन्स का डेवलपमेंट हुआ और फिर क्या हुआ, लॉट ऑफ कंपनीज केम अप इन द मार्केट मेकिंग द सेम प्रोडक्ट दीज कंपनीज. कि क्या हुआ, मतलब कंपनीज में ना एक दूसरे के बीच में कंपटीशन होने लगा कि वो जो है सेम प्रोडक्ट का जो सेम जो प्रोडक्ट होता है वो जो है सस्ते मतलब दामों में निकालने की कोशिश कर रहे थे ताकि कंपनीज जो है एक दूसरे से जो है फाइट कर सकें. लॉट ऑफ कंपनीज केम अप इन द मार्केट मेकिंग द सेम प्रोडक्ट दीज कंपनीज केप्ट ऑन फाइटिंग विद ईच अदर. कि ये जो कंपनीज है सेम प्रोडक्ट बना रही थी, बहुत सारी कंपनीज है वो सिमिलर प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चर कर रही थी. फिर क्या हुआ, इन कंपनीज के बीच में जो है फाइट होने लगी. द कंपनी विच गेव द बेस्ट प्रोडक्ट एट द लोवेस्ट प्राइस, मतलब जो कंपनी सेम प्रोडक्ट को बेस्ट क्वालिटी के साथ जो है मैन्युफैक्चर करेगी और कम दामों में, तो इससे क्या होगा, इट इज़ नोन एज मार्केट कैपिटलिज्म. इसे कहा गया है मार्केट कैपिटलिज्म. देन सेकेंड फेज ऑफ कैपिटलिज्म, इट हैपन ड्यूरिंग द मॉडर्न वर्ल्ड पीरियड. ये जो सेकेंड फेज ऑफ कैपिटलिज्म आया ये मॉडर्न पीरियड में आया. इसमें क्या हुआ, मोनोपोली कैपिटलिज्म होने लगा, मतलब जो है ओनली फ्यू कंट्रीज वर डोमिनेटिंग द मार्केट. कि कुछ कंपनीज ने जो है मार्केट को जो है डोमिनेट कर रखा था, कि जो है मोनोपोली हो गई थी, मतलब जो एक कंपनी का प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है, उस सेम प्रोडक्ट को जो है कोई दूसरी कंपनी जो है मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती. इस मोनोपोली का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी जिसका ये प्रोडक्ट है सिर्फ वही मतलब सप्लाई कर सकती है, वही मैन्युफैक्चर करने का उसके पास राइट है और सप्लाई लोगों को सप्लाई करने का राइट है. उसके अलावा अगर किसी और ने उस सेम प्रोडक्ट को अगर बेचा तो देन ही इज़ जेल्ड. सो मोनोपोली कैपिटलिज्म. देन थर्ड फेज ऑफ कैपिटलिज्म, दिस फेज ऑफ कैपिटलिज्म इज़ एसोशिएटेड विद लेट कैपिटलिज्म और मल्टीनेशनल कैपिटलिज्म.
ये जो आई ये पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में आई 1950 के बाद, और इसमें क्या हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज़ यानी इंटरनेशनल कंपनीज़ पे जो कंपनीज़ ने जो है मार्केट को जो है डोमिनेट कर लिया था। जैसे आपको मैकडोनल्ड्स, KFC's, लिवाइज़, ये जो है अपने गुड्स को जो है डिलीवर कर रही थी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। कि मतलब ये जो है अपने ब्रांड्स बेच रही थी दूसरी कंपनीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में। देन कंज्यूमर कैपिटलिज़म, सो इस फेज़ में क्या हुआ, कंज्यूमर कैपिटलिज्म में जो ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाने लगा वो मार्केटिंग पे दिया जाने लगा, सेलिंग पे, और लोग जो है कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया इस फेज़ में। देन हाउ यू मार्केट योर प्रोडक्ट, और इसमें मतलब ये भी एम्फेसाइज किया जाने लगा कि आप अपने प्रोडक्ट को है किस तरह से बेच सकते हो, वाया एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट्स या फिर कूपन्स वगैरह, मतलब कि फैसिलिटीज़ अवेल करवा के जो है आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है सेल कर सकते हैं, और लॉट एम्फेसिस ऑन सेलिंग रादर देन ऑन प्रोडक्शन। कि इसमें जो है इस कंज्यूमर कैपिटलिज्म में जो है ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया सेलिंग पर रादर देन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। इंडिविजुअल एंड नेशनल आइडेंटिटीज़ वर वाइपिंग आउट, इससे क्या हुआ, जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ थी वो जो है धीरे धीरे जो है डिसअपियर होती जा रही थी, क्योंकि जो है मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने जो है पूरे मतलब वर्ल्ड पे जो है वर्ल्ड को जो है डोमिनेट कर लिया था। मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है अपने प्रोडक्ट्स जो है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो है डिलीवर कर रही थी, जिससे क्या हुआ कंज्यूम ज़्यादा किया जाने लगा उनके गुड्स को, क्योंकि वो जो थे सस्ते दामों पर जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है लोगों को मिल रहे थे, इसलिए बाइंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर, और लोग जो है ज़्यादातर जो है उन प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे थे जो मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए थे। देन फिर वो फ्रेडरिक जेम्सन बताते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड था उसमें जो है ट्रेडिशन ऑफ पेस्टीज फॉलो किया जाने लगा। पेस्टीज का क्या मतलब होता है, कि जो है मतलब ओल्ड स्टाइल को जो है रिपीटेशन में लाया जाने लगा। दे डोंट हैव एनी यूनिकनेस ऑफ इट्स ओन, कि पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जो है कोई यूनिकनेस नहीं थी, कुछ जो है अपने मतलब ओरिजिनल क्रिएशन नहीं था, वो जो है ओल्ड स्टाइल को कॉपी कर रहे थे। देर इज़ नो ओरिजिनल आर्टिस्ट, कोई ओरिजिनल आर्टिस्ट नहीं था। रेपिटेशन ऑफ ओल्ड स्टाइल हैज़ बिकम अ स्टाइल इट्सेल्फ, कि जो पुरानी स्टाइल थी वही स्टाइल बन गई पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में। सो इस लेक्चर में जो है हमने बात की जेम्स फ्रेडरिक जेम्सन के बारे में, एंड उनका मैंने इंट्रोडक्शन दिया। देन मैंने उनकी बुक्स जो है उन्होंने मतलब 3 बुक्स लिखी थी उनके बारे में बताया। देन उन्होंने जो है कैपिटलिज्म को जो है 3 फेज़ में डिवाइड किया, फर्स्ट फेज़ ऑफ कैपिटलिज्म, देन सेकंड फेज़ ऑफ कैपिटलिज्म, देन थर्ड फेज़ ऑफ कैपिटलिज्म। देन उन्होंने कंज्यूमर कैपिटलिज्म के बारे में बताया। देन उन्होंने ट्रेडिशन ऑफ प्रेस्टीज जो मॉडर्न वर्ल्ड में जो प्रिवेल करता है उनके बारे में बताया। सो दैट्स इट, एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।